नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीरभूम में परिवर्तन यात्रा का किया शुभारंभ। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया तीखा हमला, कहा मंच बदल सकता है इरादे नहीं। 8 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ आज प्रधाननगर थाने की सादे पोशाक की पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। बागडोगरा के बिहार बोर्ड में आज अनियंत्रित होकर एक ऑटो एक वाहन से टकराई, दो यात्री सहित चालक घायल। सिलीगुड़ी में जल्द बनेगा नया शिक्षा केंद्र। आज सिलीगुड़ी प्राथमिक विद्यालय संसद ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्राथमिक विद्यालय संसद के चेयरमैन सुप्रकाश राय ने ये जानकारी दी। सिलीगुड़ी के विधायक तथा नगर प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने सौर विद्युतीकरण परियोजना के तहत पहले चरण कार्य का आज किया शुभारंभ। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने आज सिलीगुड़ी नगर निगम अंतर्गत 46 नंबर वार्ड में 89 परिवारों को सौंपा जमीन का पट्टा। गुप्त सूत्रों के आधार पर खोड़ीबाड़ी थाना पुलिस ने पाइन टैंकी में अभियान चलाकर भारी मात्रा में नशीली पदार्थ के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। राजगंज के हरिचरण भीटा गांव में एक साथ 3 घरों में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी के 3 नंबर वार्ड में नशे के कारोबार का प्रतिवाद करने पर युवक पर हमला, थाने में मामला दर्ज। 5 तारीख को नवन्ना अभियान के तहत पुलिस द्वारा पारा शिक्षकों पर हमला करने के प्रतिवाद में आज फाटाफुकुड़ में राजगंज ब्लॉक के पारा शिक्षक एक्या मंच ने निकाली धिक्कार रैली। धूपगुड़ी के सकया झोड़ा 1 नंबर ग्राम पंचायती इलाके में हाथी ने मचाया तांडव। इस्लामपुर युवा कल्याण दफ्तर एवं इस्लामपुर नगर पालिका की तरफ से आज विभिन्न क्लबों में फुटबॉल वितरित। पश्चिम बंग भूमि और भूमि सुधार कैजुअल फेडरेशन की तरफ से अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में किया गया विरोध प्रदर्शन। नक्सलबाड़ी एरिया कमेटी की तरफ से 12 सूत्री मांगों के समर्थन में नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत के संरक्षण को सौंपा गया ज्ञापन। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की सभापति कविता बर्मन ने आज रायगंज के रविंद्र भवन में किया उत्तरबंग उत्सव का शुभारंभ। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज नक्सलबाड़ी में तृणमूल कांग्रेस महिला मोर्चा की तरफ से निकाली गई साइकिल रैली। पंजाब के मिर्नवा फुटबॉल क्लब में सिलीगुड़ी में शिविर के माध्यम से फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन कार्य किया शुरू। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन, शोक की लहर। रैपिड टाइम्स में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।